बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी आजमाइशें हैं, ये हम पर क्यों आती हैं, कैसे आती हैं। बिलुमू में कुरान की आयत पेश की जाती है कि जो कुछ तुम पर वबाल या मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथ की कमाई होती है। तो जब कभी इस तरह की कोई परेशानी या मुसीबत आप पर आन पड़े तो इसमें लाजमी के इंसान ने पहले कुछ किया होता है, उसके नतीजे में ये कुछ आ रही होती है। अल्लाह ताला का जो फरमान आपने सुनाया है उसका तो एक ख़ास महल है, उसमें बिलखसूस रसूलुल्लाह के मुखातबीन को बताया गया है कि तुम जो इस वक्त करतूतें कर रहे हो उसके कुछ नतायज निकल रहे हैं, तो इसमें अल्लाह ने क्या करना है, ये तुम्हारे करतूतों ही के नतायज हैं। कई चीज़ें इसका बायस बन जाती हैं, इस पर शुबा नहीं कि बाज़ औक़ात हमारी कोताहियाँ, हमारी गलतियाँ, हमारी ख़ताएँ, ख़ास तौर पर अगर किसी आदमी के साथ ज़्यादती हुई है और वो कमज़ोर था, ज़यीफ़ था, तो बड़ी मुसीबतों की सूरत में मुकाफात यहाँ भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला किसी शख्स को उसके मजालिम की वजह से, उसकी ज़्यादतियों की वजह से, उसके उद्वान की वजह से इबरत का नमूना बना देते हैं। ये जब भी कभी इस तरह की मुसीबत आए, तकलीफ़ आए, तो आदमी को अपनी कोताहियों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। ये दुनिया इम्तहान के लिए बनी है, इम्तहान बकदरे ज़र्फ़ होता है, यानी आदमी का अपने परवरदिगार के साथ जैसा ताल्लुक है तो बाज़ औक़ात उसी के लिहाज से इम्तहान भी हो जाता है। अपनी कोताहियों पर नज़र करे, अफ़ दरगुज़र माफ़ी उम्मीद की जा सकती है कि उसका परवरदिगार अपने बंदों पर ज़रा भी जुल्म करने वाला नहीं है, वो ज़रूर उस पर माफ़ी की नज़र डालेगा और उसको माफ़ कर देगा।